हरदोई में रविवार देर रात अरवल थाना क्षेत्र के चौसार गांव के निकट खेत में एक 70 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अरवल थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 1 फरवरी को अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। रविवार रात को उसका शव चौसार गांव के पास पड़ा मिला। घटना की जानकारी पर पहुंचे किशोरी के परिजनों ने उसकी शिनाख्त की है। परिजनों ने बताया कि उसे 14 नवंबर 2022 को गांव का एक युवक बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। इस मामले में 18 नवंबर को मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को 22 नवंबर को बरामद कर लिया था और इसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए किशोरी को 30 नवंबर को परिजनों को सौंप दिया था। SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। नारवल का इसकी ज्ञात हुआ है, युवती रहने वाली है और आज उसकी डेड बॉडी यहाँ खेत में मिली है। गले में दुपट्टा कसा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज ही ये घटना हुई है। इस संबंध में पड़ताल की जा रही है। जब तक पता लगा है कि विगत माह गांव का एक लड़का इसको लेकर चला गया था और पुलिस द्वारा इसको बरामद किया गया था और 30 तारीख को विधिक कार्रवाई के बाद घर वालों को सुपुर्द किया गया था, जिसके बाद आज ये घटना हुई है। पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आ पाएगी। विधिक कार्रवाई की जा रही है।